हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं सुचित्रा चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज। आज आप सभी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नॉमेनक्लेचर के बारे में बताना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पे हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेमिंग ऑफ आयंस। हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड, चाहे वो सिंपल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, उसका नाम लिखने के दौरान उसमें दो तरह के आयंस हमें देखने को मिलते हैं, कैटायन और एनायन। तो कैटायन अपीयर्स फर्स्ट एज ऑलवेज। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा कैटायन को हम पहले लिखते हैं। सिंपल सॉल्ट हम देखें तो जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl को लिखना चाहें तो यहाँ पे सोडियम कैटायन है तो पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे हमेशा। एनायन इज नेम्ड लास्ट, एनायन का नाम उसके बाद में लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी तो दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या कम से कम एक आयन कॉम्प्लेक्स होना जरूरी होता है। तो नेम ऑफ नॉन आयनिक और मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स आर रिटन एज वन वर्ड विदाउट एनी गैप। जो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स है उसको हम बिना किसी गैप के एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम विदाउट एनी गैप हम उसके लिखते हैं और उसके बाद में सेकंड मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यदि ये हम एक एग्जांपल लेते हैं CONH3 5 Cl, बड़ा ब्रैकेट बंद, देन Cl2। तो यहाँ पे दो आयन हैं, एक जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, दूसरा सिंपल एनायन क्लोराइड है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखेंगे जो कि इस तरह से है, पेंटामीन क्लोरोकोबाल थर्ड, देन हम एनायन का नाम लिखेंगे क्लोराइड। तो फर्स्ट एंड सबसे मेन पॉइंट आपका इसमें यही रहेगा कि सबसे पहले हमें आयंस का ऑर्डर डिसाइड करना है। कैटायंस को हम पहले लिखेंगे देन एनायंस का नाम लिखेंगे। फिर है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कई बार दोनों आयन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो हमें इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है देन सेकंड आयन का नाम लिखते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने की बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर होता है कि मेटल का नाम कब लिखेंगे, लिगेंड का नाम कब लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है लिगेंड्स आर नेम बिफोर द मेटल, पहले हम उसमें जितने भी लिगेंड हैं उनके नाम लिखेंगे, देन हम लास्ट में उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल है उसका नाम लिखते हैं। अब लिगेंड हम जानते हैं एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो किस लिगेंड को पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, इसके लिए सेकेंड रूल हमारा बताता है लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड। प्रीवियसली हम पढ़ते थे कि पहले निगेटिव चार्ज, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव चार्ज लिगेंड को लिखते हैं, लेकिन फाइनली आज यह इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं कि लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इट डजेंट मैटर कि उन पर कौन सा चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल हमने यही कॉम्प्लेक्स आयन यदि हम दोबारा लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर मेटल कोबाल्ट है और दो टाइप के लिगेंड्स यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं, अमोनिया और क्लोरीन। तो हम अमोनिया ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो पहले हमें लिगेंड के नाम लिखने हैं। तो नेम द अमोनिया लिगेंड फर्स्ट, देन द क्लोराइड लिगेंड, फॉलोड बाय द मेटल, सबसे लास्ट में मेटल का लिखेंगे। तो हम इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं, एमीन ग्रुप यहाँ पर 5 हैं तो इसको हम लिखेंगे पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। लिगेंड्स को जब हम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं नो डाउट, बट जब लिगेंड
पे कौन सा चार्ज है उसके आधार पे उसका नाम डिसाइड किया जाता है। जितने भी एनायनिक लिगेंड है उनका नाम हम एंडिंग उसकी ओ के साथ करते हैं, जैसे क्लोराइड लिगेंड है क्लोरो, ब्रोमाइड लिगेंड है ब्रोमो, साइनाइड लिगेंड है साइनो एट्सेट्रा। तो एनायनिक लिगेंड्स को हम हमेशा ओ के साथ एंड करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई चेंज नहीं किया जाता, उनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं जैसे मॉलिक्यूल की तरह से। कैटायनिक लिगेंड्स को हम IUMEM के साथ एंड करते हैं, जैसे NO पॉजिटिव नाइट्रोसीलियम, NH2NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम। इस तरह से जो कैटायनिक लिगेंड है उसको IUM से एंडिंग करेंगे, एनायनिक लिगेंड को O से एंडिंग करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं होता है। तो लिगेंड्स के भी लिखने के डिफरेंट नियम हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला नियम क्या था, लिगेंड्स को पहले लिखेंगे, मेटल को बाद में लिखेंगे। देन लिगेंड्स चूंकि एक से ज़्यादा होते हैं तो लिगेंड्स को हम उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देन लिगेंड एनायनिक है कैटायनिक है या न्यूट्रल है इसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स को स्पेशल नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे H2O वाटर, इसको हम एक्वा के रूप में लिखेंगे। NH2 को एमीन के रूप में लिखेंगे। CO मीन्स कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। अब यहाँ पर हम एक यदि एग्जाम्पल देखते हैं, तो चूंकि एक बड़े ब्रैकेट के अंदर है दैट मीन ये एक कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है। इसके अंदर तीन टाइप के लिगेंड्स यहाँ पे हैं, साइनाइड एमीन और वाटर। तो यदि हम अल्फाबेटिकली देखें, इसको हम चूंकि एक्वा लिख रहे हैं इसको एमीन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एमीन, देन एक्वा, देन साइनाइड। तो एमीन के दो मॉलिक्यूल हैं डाईएमीन, एक्वा भी दो मॉलिक्यूल हैं तो डाई एक्वा। इसी तरह से साइनाइड के दो हैं तो डाई साइनो। हमने बताया था कि जो निगेटिव है उसको ओ से एंडिंग होगी, तो साइनाइड निगेटिव लिगेंड है तो इसे हम डाई साइनो। देन मेटल का नाम आयरन, देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन के रूप में ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड्स देन मेटल का लिखेंगे। लिगेंड्स के नाम को लिखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स को किस तरह से लिखेंगे ये हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है। ये एक टेबल है जो कि कुछ लिगेंड्स को बताती है जिनके नाम कॉम्प्लेक्स में हम किस तरह से लिखते हैं। ये आपको सभी बुक्स में ऐसी टेबल्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हो। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे आप कि ये प्रैक्टिस में आता जाएगा। ब्रोमाइड ब्रोमो, क्लोराइड क्लोरो, साइनाइड साइनो, फ्लोराइड फ्लोरो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सू, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ऑक्सीलेट है तो इसको हम ऑक्सीलेटो, ऑक्साइड ऑक्सो। इसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड की बात करें, अमोनिया तो इसको एमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, एथिलीन डाइएमीन को हम एथिलीन डाइएमीन ही लिखेंगे, पिरीडीन सेम पिरीडीन, और वाटर मॉलिक्यूल को एक्वा के द्वारा लिखते हैं। तो ये कुछ लिगेंड्स जिनको आप याद करेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर में इजी रहेगा। और चूंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर और राइटिंग फॉर्मूला दोनों पे मोस्टली इस पे क्वेश्चन पाया जाता है, तो आपको इसका नाम लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करते रहना है। देन नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, हमने देखा एक ही टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा होते हैं, अनेक एग्जाम्पल्स हम जो देखते आ रहे हैं, तो उन नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम कैसे इंडिकेट करेंगे उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नंबर ऑफ ईच लिगेंड। यहाँ पे हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरह से प्रीफिक्स यूज करते हैं। डाई 4-2, ट्राई 4-3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा 4-5 एंड हेक्सा 4-6। यदि सेम टाइप के लिगेंड 6 हैं तो हम उसका प्रीफिक्स हेक्सा यूज करेंगे। इफ द नेम ऑफ लिगेंड इट सेल्फ हैज सच ए प्रीफिक्स ऑल्टरनेटिव लाइक बीस ट्रीज टेट्रा की एटसेट्रा यूज। यदि लिगेंड के खुद के नाम में इस तरह के प्रीफिक्स या कोई कॉम्प्लिकेट बड़ा लिगेंड है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाइट्राइड डेटा यूज नहीं कर गए, बीस ट्रीज टेट्रा की इस तरह से यूज करते हैं। जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, अगर एक से ज़्यादा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगे हुए हैं तो वहाँ पे हम ये वाले
प्रीफिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि ट्राई उसके नाम में है तो वहाँ पे हम बिस्ट्रिस प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये तो बात होती है लिगेंड्स की। लिगेंड्स के लिए हमें यही तीन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बेसिकली। देन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है या कैटायन है या न्यूट्रल है। अगर एनायन और न्यूट्रल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम नाम आएगा जिस तरह से हमने ऊपर नियम पढ़े हैं। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो उसके नाम को हम एट के साथ, मेटल का जो नाम है उसके एंड में ए टी ई सफिक्स लगाएंगे, एट के साथ एंड करेंगे। द सिंबल ऑफ मेटल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए लेटिन नेम, देन द लेटिन स्टेम इज यूज इंस्टीट ऑफ कंपाउंड। यदि जो मेटल है उसका ओरिजिनेशन लेटिन नेम से हो रहा है तो हम लेटिन वर्ड जो है उसके साथ में सफिक्स एट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। जब कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होता है तो मेटल के नाम में हमें चेंजेज करने हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कैटायन लिख देंगे पोटेशियम, देन इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, एक ही टाइप का लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, दैट मीन्स हेक्सासाइनो। फिर आयरन है, लेकिन हम चूंकि 8 लगाना है और आयरन का लैटिन नेम फेरस होता है तो हम यहाँ पे फेरीट लिखेंगे। तो इस तरह से यदि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो मेटल का नाम 8 सफिक्स के साथ एंड होता है। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कॉपर इसको हम क्यूप्रेट लिखेंगे, आयरन फेरेट, टिन स्टेनेट, लेड प्लम्बेट, सिल्वर अर्जेंटेट, गोल्ड ओरेट, इस तरह से। अगर उसका ओरिजिनेशन लेटिन नाम से है तो लेटिन वर्ड यूज करते हुए उसके एंड में एट लगाएंगे। जब हमने मेटल और लिगेंड दोनों के नाम को हम लिख चुके हैं, उसके बाद में बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज गिवन बाय ए रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस आफ्टर द मेटल। मेटल के बाद में रोमन न्यूमरल में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। नोइंग द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड द चार्ज ऑन ईच लिगेंड, एवरीवन या वन कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द मेटल। यदि आपको प्रत्येक लिगेंड का चार्ज पता है, आपको टोटल कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज पता है, तो आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयन है, उस पर चार्ज है +1, तो हमें यहाँ पे यदि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, 3 की जगह हम लिख देंगे एक्स, अननोन है हमें नहीं पता है एक्स। 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल होते हैं तो 4×0 +2 क्लोराइड, इसमें लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो 1 क्लोराइड पे लिगेंड -1 चार्ज होते हैं तो 2×-1, और टोटल जो आयन है उस पर चार्ज है +1, तो 4 - 2 कितना हो गया -2, और -2 को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो +1 and +2 कितना हो गया +3, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। इसी तरह से यदि हम एक और एग्जांपल देते हैं, ये एक और आयन है कॉपर का, ऑक्सीडेशन नंबर हमें यदि ज्ञात करना है तो अमोनिया लिगेंड के रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका जो चार्ज होगा 4×0, टोटल चार्ज है +2, तो यदि हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। तो इस तरह से सभी लिगेंड्स का चार्ज हमें पता हो, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज पता हो, तो हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम एक ऑर्डिनेशन स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर कर देंगे। सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद प्रीफिक्स ऑफ देयर नंबर। देन हम मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज एनायन है, कैटायन है, कैटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज हो जाएगा, नो चेंज। लेकिन यदि एनायन है तो हम उसको एट सफिक्स के द्वारा एंडिंग करेंगे,
देन लास्ट में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब ये कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू मोर देन वन मेटल दैट इज ब्रिजिंग लिगेंड। कई बार क्या होता है, एक लिगेंड एक से ज़्यादा मेटल से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो इस ब्रिजिंग लिगेंड को हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ सबस्क्रिप्ट टू द ग्रीक सिंबल म्यू प्लेस बिफोर द लिगेंड नेम। लिगेंड के नाम के पहले हम म्यू प्रीफिक्स के रूप में यदि यूज करते हैं दैट मीन्स ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये एक एंटाइटी है, फिर ये OH लिगेंड है, फिर ये एक एंटाइटी है। मतलब OH यहाँ पे इस क्रोमियम से भी जुड़ा हुआ है, इस क्रोमियम से भी जुड़ा हुआ है, तो OH हाइड्रोक्सिल जो यहाँ पे क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इसको हम लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो। देन अब ये जो हैं इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यदि दोनों यूनिट सेम है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इधर भी CrNH3 है OH की, इधर भी CrNH3 सेम यूनिट है, तो हम बिस प्रीफिक्स यूज करके और किसी एक इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन क्रोमियम। तो पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे अभी जिस तरीके से बताया था वैसे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड और ये क्लोराइड जो इसका NaN है। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। और यदि ये सेम नहीं है, ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़ी हुई दोनों एंटाइटीज डिफरेंट हैं, तो हम उनको काउंट करके सब लिखेंगे। जैसे इसको भी यदि हम लिखना चाहें तो म्यू हाइड्रोक्सो 5 और 5 10 amine है, डेका एमीन डाइक्रोमियम थर्ड देन क्लोराइड, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। देन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके आइसोमर्स भी होते हैं, तो उनके लिए हम नॉमेनक्लेचर में किस तरह से डिसाइड करेंगे। सॉरी, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर नेम्ड बाय द यूज ऑफ टर्म सिस टू डेजिग्नेट एडजेसेंट पोजीशन एंड ट्रांस टू डेजिग्नेट अपोजिट पोजीशन। सिस और ट्रांस हम वहाँ पर यूज करते हैं यदि दो सेम लिगेंड जैसे यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो इसे हम सिस आइसोमर कहेंगे, और ये सेम लिगेंड अगर एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हैं तो इसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज यदि हम बात करें तो 1, 4, 1, 2, 2, 3 and 3, 4 आर सिस, क्योंकि ये एक दूसरे के पास पास है। लेकिन यदि 1, 3 and 2, 4 पोजिशन पर हों कोई लिगेंड तो उसको हम ट्रांस आइसोमर के रूप में जानते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे तो हम सिस और ट्रांस प्रीफिक्स का यूज करते हैं। इसी तरह से यदि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हों, तो उनको हम डिजिग्नेट करेंगे या तो डी और एल उनके प्रीफिक्स लगाएंगे या प्लस और माइनस सिंबल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। डी फॉर डेक्सरोरोटेटरी एंड एल फॉर लिवोरोटेटरी। जैसे ये कंपाउंड है तो यहाँ पे पोटेशियम इसका कैटायन हो गया, देन प्लस सिंबल लिखा और फिर इसका नाम लिख दिया ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट थर्ड। तो इस तरह से हम प्लस या माइनस सिंबल के द्वारा या डी और एल सिंबल के द्वारा उसका ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे जिसके आधार पे हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएंगे रूल्स। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, हम यहाँ देख रहे हैं कि NaN है। NaN है मीन्स मेटल के नाम में हमें 8 सफिक्स लगाना है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखें, 4 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। यदि आयन होता है तो हम एंड में आयन लिख देते हैं। इसी तरह से ये भी एक NaN है, इसमें कॉपर मेटल है, 2 लिगेंड्स हैं एमीन एंड क्लोरो, तो हम लिखेंगे पहले एमीन, एक एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एमीन
देन पांच क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, पेंटा क्लोरो, कॉपर है, क्यूप्रेट, सेकेंड आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया पांच क्लोरीन है, टोटल चार्ज 3 है, माइनस 5 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 5, माइनस 3 प्लस 5 कितना बचा 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। इसी तरह से ये एग्जांपल है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें कैडमियम मेटल है, दो टाइप के लिगेंड्स हैं, एथिलीन डायमीन है ये, जिसके दो मॉलिक्यूल हैं और दो साइनाइड लिगेंड हैं, तो इसका नाम हम यदि देखें लिगेंड्स में तो सी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो हम लिखते हैं डायसाइनो। एथिलीन डायमीन के लिए हम प्रीफिक्स बिस यूज करते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाई है, तो हम यहाँ पे बिस प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो हमारे पास नाम हो जाएगा डायसाइनो बिस एथिलीन डायमीन कैडमियम सेकेंड। इसी तरह से यहाँ पे ये एग्जांपल यदि हम देखें तो इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन आयन है वो कैटायन है और एनायन सिंपल आयन है, तो इसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। सेम हियर, यहाँ पे कैटायन सोडियम है और एनायन के रूप में कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कैटायन का नाम हमने ऐसा कैसे लिखा सोडियम, देन एनायन का नाम लिखना है, तो इसमें टेट्रा क्लोरो ऑक्सो, दो टाइप के लिगेंड हैं, क्लोरो लिगेंड है, ऑक्सो लिगेंड है, टेट्रा क्लोरो ऑक्सो मॉलिब्डेट, क्योंकि एनायन कॉम्प्लेक्स है तो 8 सफिक्स लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया मॉलिब्डेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 4 आते हैं, तो हम रोमन न्यूमरल के रूप में ब्रैकेट में 4 लिखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जब हम एक कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिख रहे हैं तो विदाउट एनी गेप लिगेंड से लेके और उसके ऑक्सीडेशन नंबर तक कोई गेप नहीं होगा, कंटिन्यूशन में लिखेंगे, उसके बाद या पहले एनायन या कैटायन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें हम गेप देंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे वो सिंपल आयन हो। जैसे यहाँ पे सिंपल आयन है तो पहले सोडियम, फिर गेप, फिर टेट्रा क्लोरो ऑक्सो मिथाइल मॉलिब्डेट 4th, ये लिख देंगे। और अगर कैटायन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन हो तो उस कॉम्प्लेक्स आयन को विदाउट एनी ब्रेक कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा, देन 1 गेप स्पेस और फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे। तो 4 क्लोराइड लिगेंड है तो टेट्रा क्लोरो हो गया, ऑक्साइड लिगेंड -2 चार्ज होता है, 1 है तो 4 क्लोराइड -4 -2 -6 चार्ज हो गया, और सोडियम +2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो मॉलिब्डेनम पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे इसका अपोजिट होगा, हम आपको वहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ देंगे और आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से हम उनका फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।